Hi guys, welcome back to my channel Diet and Bike and I am really happy if you are here to my channel. अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता देती हूँ, इस चैनल पे आपको मेरी वेट लॉस जर्नी के बारे में पता चलेगा, मतलब उसकी वीडियोस देखेगी क्योंकि मुझे वेट रिड्यूस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि मैंने लॉकडाउन से लेके आज तक दिसंबर तक मैंने बहुत सारा खाया और बहुत सारा गेन कर लिया. इनफैक्ट मेरे घर वाले भी बोल रहे हैं यार कुछ रिड्यूस कर ले, क्योंकि दिसंबर लास्ट ईयर के दिसंबर में मैं काफ़ी सही थी और जो इस साल का दिसंबर आया इसमें मैं बिल्कुल ही ह्यूज डिफरेंस है. कभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं उस वक्त कैसी थी और अब कैसी हूँ. लेकिन आप अगर मेरे इस चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता देती हूँ, इस चैनल पे आपको मेरी वेट लॉस जर्नी मिलेगी, ठीक है. डाइट के रिव्यूज़ मिलेंगे और एक्सरसाइजेस के रिव्यूज़ मिलेंगे, जो भी यूट्यूब पे बहुत सारे लोग अपलोड करते हैं डाइट वगैरह, मैं उनकी जो डाइट है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने वो वाली डाइट करी तो उससे मेरा कितना लूज़ हुआ. आपको डे वाइज मिलती रहेगी डाइट के रिव्यू, मतलब कि इन डे में कितना रिड्यूस हुआ ऐसे ऐसे करके. एंड और जो वेट है वो पूरे मतलब डेली बेसिस पे ही अपलोड होगा, मतलब एक साथ नहीं दिखाऊंगी, मैं एक एक दिन का ही दिखाऊंगी कि इस एक दिन मैंने डाइट की तो कितना रिड्यूस हुआ, चाहे 500 ग्राम क्यों ना हो. क्योंकि वो कहते हैं ना स्लो एंड स्टडी, कि धीरे धीरे कम होना तो ही वो अच्छी बात होती है. जल्दी पहुँच जाएगा तो कोई इशू नहीं है, मेंटेन कर लेंगे. बाकी चलो वीडियो शुरू करते हैं. अभी जो चल रही है वीडियो मैं आपको बता देती हूँ, अभी जो डेली रूटीन चल रहा है वो चल रहा है वर्सेटाइल विकी का एग डाइट प्लान. आज है डे 3, 12 दिसंबर. सो आज का जो करंट वेट होगा एम्प्टी स्टमक अर्ली मॉर्निंग का वो मैं वीडियो के एंड में दिखाऊंगी. सो लास्ट तक देखते रहना और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. यार थोड़ी सी मेहनत मैं भी कर रही हूँ, थोड़ी सी मेहनत आप भी कर लो. एक रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ वो ही तो आपको दबाना है यार. प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ऑल्सो लाइक इट, शेयर इट, कमेंट एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि मैं कभी भी वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को वीडियो पहले मिल जाए. एंड ऑल्सो कमेंट में ज़रूर बताना, आज डे 3 हो गया, डे 7 तक मैं ये डाइट करूँगी, डे 7 के बाद मैं चेंज करूँगी. सो प्लीज़ मुझे बताना कि मैं डे 7 के बाद कौन सी डाइट करूँ, वो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो कि मैं कौन सी डाइट करूँ, ताकि वो मुझे थोड़ा आइडिया दे सके. एंड प्लीज़ मैं ना एगिटेरियन हूँ, मैं एग तक ही सीमित हूँ, उससे ज़्यादा नहीं. सो प्लीज़ नॉनवेज वाली डाइटें मत बताना मुझे, एग खाने की इजाज़त मुझे बहुत मुश्किल से मिली है, तो उससे तो मेरे घर वाले मुझे बाहर ही निकाल देंगे घर से कि तू जा बाहर, जा तू बाहर ही रह. इसलिए एग तक ही सीमित वाली डाइट बताना मेरे को कमेंट डाउन बिलो, ठीक है. एंड प्लीज़ सब्सक्राइब प्लीज़ गाइस. कौन आ गया, आज का करंट वेट जो आपको आने वाली अगली वीडियो में दिखेगा, मतलब आगे जो आ रही है अभी, उसमें उसके लिए ना मैं थोड़ी सी सॉरी हाँ, क्योंकि ना क्या हुआ था डे 2 वाले दिन मैंने अच्छे तरीके से डाइट तो प्रॉपर कर ली थी, रात को क्या हुआ ना मेरे को ना भूख लग गई, टू बी वेरी फ्रेंड, रात को ना मुझे भूख लग गई. मैंने बनाए थे दाल और चावल मिक्स करके, नहीं बनाते तड़का लगा के, वो बनाए थे और उसको देख के ना मैं
पिघल गई, मतलब मेरा मन कर गया। मैंने बहुत कंट्रोल किया कि ना खाऊं ना खाऊं, वरना मैंने थोड़ा सा खा लिया इसलिए मेरा वेट बढ़ा हुआ आ रहा है। 9 day 2 के हिसाब से day 3 वाला जो मेरा वेट है ना बढ़ा हुआ है। सो सॉरी गाइस, मैं आगे से ध्यान रखूंगी, बट यार क्या कर सकते हैं, हम भी तो इंसान है ना। थोड़ा सा खा लिया ना तो पड़ गया, अब लालच आ गया, बट ना खाने के बाद मुझे रिग्रेट बहुत हुआ था, बहुत ज़्यादा। अगर आपको भी ऐसा सीन होता है ना, अगर आप डाइट करते हो और आपके साथ ये सब होता है, तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो ना कि आपके साथ भी होता है तो यस लिखना, नहीं होता तो नो लिखना। अगर नो है ना तो भाई आप तो बड़ी सख्त हो अपनी डाइट को लेके। बट मैं भी ट्राई करती हूँ, बट ना चावल और दाल देख के ना मैं पिघल जाती हूँ थोड़ी सी, कि यार कोई नहीं थोड़ा सा खा लिया होता है ना, थोड़ा सा सह लेंगे यार, आप भी सह लो मैं भी सह लेती हूँ, कोई ना। चलो वेट, करंट वेट चेक करते हैं।